हे गाइज, तो क्या हालचाल। एंड गाइज, आज के इस वाले वीडियो में आप लोगों को कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूं, वो भी केवल 3 स्टेप में, जो कि आप लोग तो जानते हैं कि इस तरह का एडिटिंग करना कितना मुश्किल होता है। और गाइज, ऐसा फेस स्मूथ करना, जो कि जब आप लोग फेस स्मूथ करते हो तो देखिए इस प्रकार से, देखिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, इस प्रकार देखिए कहीं पर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, देखिए इस प्रकार से जैसे मैं ब्लैक यहाँ पर किया हूँ, देखिए सेम आप लोग का भी यही प्रॉब्लम होता है। लेकिन गाइज, अगर आप लोग इस वाले वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आपको गारंटी के साथ ऐसा सेम फोटो एडिटिंग करना आ जाएगा, वो भी केवल 3 स्टेप में, जो कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और एक बात कि आप लोग बैकग्राउंड वगैरह और फेस देखिए सर, कितना हार्ड मैं स्मूथ किया हूँ। और जो सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि फेस में मैं कैसे इतना हार्ड चमक दिया हूँ और बैकग्राउंड में कितना हार्ड ब्लैक कलर में बनाया हूँ, जो कि आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बस इस वाले वीडियो को फुल वॉच करना, उसके बाद आप लोग भी गारंटी के साथ ऐसा सेम फोटो एडिटिंग कर पाएंगे। और आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रीसेट डाउनलोड कैसे करना है, जो कि आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि अमित भाई प्रीसेट कैसे मिलेगा। तो गाइज, आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हर एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, प्रीसेट कैसे मिलेगा, उसके बाद फेस आपका गोरा कैसे होगा, जो कि मैं जानता हूँ कि आप लोग का जो फेस होता है इसी प्रकार से ब्लैक आ जाता है और फेस में बिल्कुल क्वालिटी नहीं रहता है। लेकिन गाइज, इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप लोग सब कुछ जान जाएंगे कैसे क्या होता है और कैसे फेस पर इतना हार्ड HD क्लैरिटी देते हैं। ठीक है, चलिए गाइज, मैं क्या करता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोग को जल्दी से ऐसा एडिटिंग करना सिखाता हूँ ओनली 3 स्टेप में। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, अपना फोटो ले लेना, जो कि आप लोग मेरा फोटो देख सकते हैं। और इस वाले फोटो को आपको सबसे पहला स्टेप यानी कि ले चलना कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। देखिए, आपको हर एक चीज़ में बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो आपको पहले आ जाना है स्नैपसीड में, और इसमें आने के बाद आपको क्या करना है, डिटेल पर जाकर और इसको पूरा आप लोग को इंक्रीज करना है, उसके बाद सही पे क्लिक करना है। फिर आपको इस पे आना है और आपको व्यू एडिट पे जाकर सिंपली इस पे क्लिक करना है, बीच पे क्लिक कर देना। उसके बाद देखिए, आप लोग इन्वर्ट पे क्लिक करके इस वाला आइकन पे, और आपको फेस का जो इफेक्ट है उसको इस तरह हटा लेना है। इससे क्या होता है गाइस, आपका जो बैकग्राउंड बनता है पूरा HDR बनता है। इतना काम कर लीजिएगा, उसके बाद आपको बैक आ जाना है। फिर आपको आना है डिटेल पे, एंड उसके बाद आप लोग को स्ट्रक्चर को तनी से यानी कि प्लस आप लोग कम से कम 15 कर दीजिएगा, और सरपेनी को भी आप लोग को प्लस, इसको भी कम से कम 10 या 15 रखना है, इतना सेटिंग कर देना है। इतना सेटिंग के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट अपने फोटो को ले चलना कहाँ पे, Lightroom एप्लीकेशन के अंदर। अब बारे में बताऊंगा किसका, प्रीसेट का। सिंपली आपको Lightroom में फोटो को सेंड करना है और उसके बाद आप लोग को Lightroom को ओपन करना है। और देखिएगा, मेरा प्रीसेट जो कि ये आप लोग को दिखाई दे रहा है, मेरा प्रीसेट जो कि यहाँ पे प्रीसेट है, जो कि इसका लिंक आप लोग को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप लोग टाइटल पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप लोग को इसका लिंक मिल जाएगा। सिंपली इस पे जाना है और कॉपी सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर आपको सही पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग अपने फोटो पे आ जाना, और देखिए किस तरह मैं 1 क्लिक में एकदम हार्ड वाला गोरा करना बताऊँगा। तो 3 डॉट पे जाना है, फिर आपको पेस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए कुछ सेकंड लोडिंग लगा, और उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर, देखिए कितना हार्ड मेरा बैकग्राउंड और फेस कितना हार्ड गोरा हो चुका है। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी आप लोग चेकआउट कर ही सकते हैं। तो गाइज, इतना काम के बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपने फोटो को डायरेक्ट आपको ले चलना कहाँ पे, स्क्रेच बुक एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए, आपको स्क्रेच बुक में आने का सिंपली इस पे जाना है, और ब्रश का जो सेटिंग है उसको आप लोग देखिए इसको 3 रखना है, और ब्रश आप लोग देख लीजिए इस वाले ब्रश को आपको लेना। उसके बाद आपको फेस को पूरा जूम करके और साइज को भी अपने हिसाब से रखकर इस प्रकार से आप लोगों को फेस को स्मूथ करना है, जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कितना हार्ड फेस स्मूथ हो रहा है। तो देखिएगा, आप लोगों को सेम इसी प्रकार से अपने ब्रश को अप्लाई करना है, जो कि आप लोग यही सब गलतियाँ कर दें, कितना हार्ड ऊपर का स्मूथ हो गया, फिर मैं अच्छे से इसको मिला देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना, अगर आप लोग चश्मा लगाए होंगे तो चश्मे के नीचे सबसे पहले आप लोग स्मूथ करिएगा, देख कितना हार्ड। उसके बाद आप लोग को इस वाले पार्ट को भी स्मूथ करना है, देख कितना मस्त देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना, देखिए नाक के साइड साइड में देखिए, आपको हर एक चीज़ आराम आराम से स्मूथ करना होता है, जो पार्ट होता है उसको पहले स्मूथ करते हैं। देखिए इस प्रकार से देख सकते हैं कितना हार्ड ये स्मूथ हो रहा है। ऐसे सेम आप लोग को भी अपना फेस स्मूथ करना है, जो कि आप लोग देखिए, आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कैसे क्या होता है गाइज, कैसे फेस पे चमक दिया जाता है, जो कि अभी मैं आप लोग को स्मूथ करना बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा चमक कैसे देते हैं। तो देख लीजिए, इसी प्रकार से आपको अपना फेस स्मूथ करना है, देखिए कितना हार्ड मेरा फेस लग रहा है। देखिए जैसे मैं स्मूथ करता हूँ सेम ऐसा ही आप लोग को सिखा रहा हूँ, कोई ऐसा इतना रियल नहीं बताता है, बट आपका भाई आप लोग को रियल बता रहा है। देखिए उसके बाद आपको क्या करना, जो आपका नाक है इसको भी आप लोग को आराम आराम से, देखिए आप लोग जल्दीबाजी मत करिएगा, एकदम आराम आराम से स्मूथ करिए, देखिए किस प्रकार से।
और नाक के लिए आप लोग क्या करेंगे, साइज को छोटा करके फिर आप लोग को स्मूथ करना है। इतना काम हो गया, उसके बाद आप लोग को अपने गर्दन को स्मूथ करना है, जो कि गर्दन तो आप लोग जानते हैं जो स्मूथ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बस आप लोग को ब्रश को इस प्रकार से चलाना होता है और गर्दन आपका फटाक से स्मूथ हो जाएगा। देखिए मैं कैसे कैसे स्मूथ कराऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा, टैटू कैसे लगाना है और बैकग्राउंड सबसे मेन चीज़ क्या है, बैकग्राउंड HDR ब्लैक कैसे करना है, जो कि आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो से सीख कर जाना है, ठीक है गाइज। देखिए इसी प्रकार से आप लोग को हर एक चीज़ स्मूथ करने में कितना हार्ड देख सकते हैं गाइज, तो ऐसे ही आप लोग स्मूथ करिएगा। उसके बाद कितना हार्ड मेरा गर्दन भी स्मूथ हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग को इस प्रकार से इसको भी हल्का फुल्का इस तरह स्मूथ करना, और क्वालिटी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, पूरा फुल HD है गाइज अभी, तो ये क्वालिटी बिल्कुल आप लोग का लॉस नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि जब आप लोग अपना फोटो बनाते हैं ना तो क्वालिटी आपका बिल्कुल लो हो जाता होगा। देखिए इस प्रकार से इतना काम करना है, उसके बाद आपको आना है इस वाले आइकन पे, फिर आपको प्लस करना है और ब्रश पे जाकर आपको एक दूसरा ब्रश लेना है, जो कि आपको इस वाले ब्रश को लेकर सिंपली कलर पे जाकर इसको रेड कर देना है। फिर आप लोग क्या करना है, सिंपली देखिए इस प्रकार से इसको देखिए आप लोग को ऐसे कलर करके अपने ओठ को और इसको अच्छे से कर देना है, एंड उसके बाद आपको देखिए इस तरह इस पर आकर इसको लो कर देंगे, कितना हार्ड है। इतना काम हो गया, फिर आपको मर्ज ऑल पे क्लिक कर, देखिए इतना सेटिंग आप लोग कर दीजिएगा। इतना सेटिंग के बाद आपको क्या करना, अपने फ़ोटो को डायरेक्ट आपको ले चलना कहाँ पे, फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। उससे पहले मैं ले चलूँगा स्नैपसीड में, और उसके बाद आपको एक हल्का फुल्का काम करना है, बस थोड़ी सा फेस पे अच्छे से लाइटिंग को दे देना है, जो कि लाइट थोड़ी सा कम रहता है फेस पे, तो उसको सही कर देना है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ बिफोर एंड आफ्टर, इतना बस काम करना है। और आप अगर आप लोग चाहते हैं अपने गाल वगैरह पे लाइट देना, तो लाइट यहाँ से दे सकते हैं, जो कि मैं हल्का फुल्का बस आप लोग को बता रहा हूँ। उसके बाद आपको ले चलना फोटो कहाँ पे, डायरेक्ट फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए मैं फोटो रूम पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद देखिए कुछ सेकंड लोडिंग लगा, ठीक है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं गाइस इसमें क्या चीज़ होता है, जो कि आपको पता ही होगा, कुछ स्कैनिंग करेगा। उसके बाद देखिए इसमें बहुत सारे आप लोग को आइकन दिखाई देगा, तो देखिए नीचे आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा ब्लर का, तो ब्लर वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आप लोग ध्यान से सारा सेटिंग देखिएगा, फिर आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आना है, बैकग्राउंड पे जाना है, फिर आप लोग को एडजस्ट पे जाना है, और सबसे पहले यहाँ से क्या करना है, आप लोगों को कंट्रेस्ट को हाई करना है। इससे देखिए इसको इतना नहीं, कम से कम हम लोग इसको करेंगे कितना हाई, इसको मैं इतना ही करूँगा, ठीक है, 12। और फिर आपको ब्लर पे जाना है, और ब्लर को ज़्यादा नहीं, आप लोग 2 नंबर को लेकर इसको कम से कम, देखिए मैं दिखा रहा हूँ कितना, इसको 24 नहीं इसको मैं रखूँगा कम से कम 13 नहीं इसको, और इसको हाई करता हूँ, इसको मैं देखिए ऐसे करना है, देखिए दिखा रहा हूँ, इसको कम से कम 20 या 20 से भी कम आप लोग रखिएगा। चलिए मैं इसको सिंपली रखता हूँ कितना, 15 के आसपास इसको रखता हूँ, देखिए जितना मैं रखा हूँ सेम आप लोग इतना रखिएगा। इतना सेटिंग के बाद आपको क्या करना, अपने फोटो को डायरेक्ट ले चलना कहाँ पे, पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। और देखिए सारा सेटिंग पिक्स आर्ट एप्लीकेशन में क्लियर होगा बैकग्राउंड का। तो सबसे पहले आपको पिक्स आर्ट में आने के बाद आपको आना है रिमूव वाले ऑप्शन पे, और इसको क्या करना, आप लोगों को रिमूव इस तरह मार देना, देखिए रिमूव पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक 1 सेकंड के अंदर ही गायब हो जाएगा, जो क्योंकि मेरे समय भी लग सकता है, नेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही आपको इतना काम करना है, फिर से ही क्लिक करना है, ठीक है। देखिए गाइस एक क्लिक बिफोर आफ्टर, तनी से भी चिन्हा नहीं रहा है कि मैं इसको हटाया हूँ। उसके बाद आप लोग को आना है एडजस्ट पे, और यहाँ से ब्राइटनेस को आपको लो करना है, इस पे जाना है, आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। इससे क्या होता है गाइस, आपका जो होता है ना बैकग्राउंड तनी से ब्लैक हो जाता है, देखिए इतना ब्लैक आपको करना है। फिर आप लोग को इरेजर पे जाकर तनी सा इसको हाई लो, एंड इसको इतना लो, एंड इसको इस प्रकार देखिए कर देना है, जिसके पूरा देखने में रियल लगेगा। इतना काम कर दीजिएगा, उसके बाद इफेक्ट पे आना है, फिर आपको आर्टिक्स पे आकर फेटल 1 वाला आइकन आप लोग को ले लेना है, और इसको लेने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको कम से कम आप लोग को इतना रखना है। फिर आप लोग को इस पे आकर कम से कम आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना, देखिएगा इतना काम है। लेकिन आपको देखिए अभी सेटिंग को ध्यान समझना है। फिर आप लोग को इधर देखिए बहुत सारा आप लोग को आइकन दिखाई देगा, तो आपको क्या करना, देखिए बिफोर आफ्टर ये भी आप लोग रख सकते हैं, जो कि हमको ये भी अच्छा लग रहा है, एंड उसके बाद ये भी रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को रखता हूँ, एंड इसको इतना काम करके और इसको तो नीचे इस तरह फेस पे मार दूंगा, देखिए साइड साइड में, क्योंकि पूरा रियल लगता है देखने में। इतना सेटिंग हो गया, उसके बाद आपको एक लाइट लगाना है, जो कि इस वाले लाइट को लेना है, और इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ से स्क्रीन करना है, और इसको देखिए ऐसे जूमिंग करके इसको इस कोने पर लगा देना है, फिर इसको आप लोग डुप्लीकेट करके फिर आप लोग इसको इस कोने पर लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको एक लगाना है टेक्स्ट PNG, जो कि इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाकर सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए उसके बाद आपको इस वाले PNG को लेकर ऐड पे क्लिक कर देना, और इस वाले PNG को आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए सॉरी आपको जाना है ब्लेंड वाले आइकन पे, और यहाँ से स्किन करके इसको इतना पे आप लोग को रख देना है, कितना हार्ड आपका फोटो लग रहा है। उसके बाद
कुछ आप लोग और छोटा मोटा सेटिंग करना है। कौन सा सेटिंग वो बता रहा हूँ, आपको सिंपली इस वाले फोटो को ले चलना कहाँ पे, आपको टूलविज एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्ट आप लोग इसको टूलविज में ले चलिएगा। देखिए इस वाले एप्लीकेशन में, जो कि आप लोग तो जानते हैं इससे क्या होता है, ओल्ड पेंट आप लोग यूज कर सकते हैं। इफेक्ट पे आना है, सॉफ्ट स्मोच पे जाना है, उसके बाद आपको चार नंबर को लेकर सिंपली क्या करना है, यहाँ से क्लीन कर देना है। फिर आप लोग को देखिए इस प्रकार से इसको अप्लाई करना, देखिए कितना हार्ड गाइज। तो ऐसे आप लोग इसको भी अप्लाई करके फिर यहाँ से आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिएगा, देखिए कितना हार्ड। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे दाढ़ी पे भी अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप लोग कर देना है, फिर आपको शर्ट पे भी अप्लाई करना, देखिए इसी प्रकार से। तो देखिए इतना काम के बाद आपको क्या करना है, इसको अपने हिसाब से तनिक सा लो कर देना है, उसके बाद आपको इसको सही करना है। और इतना सारा काम के बाद आपको इस वाले फोटो को ले चलना कहाँ पे, स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए स्नैपसीड में आने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्टिव पे जाना है और यहाँ से इस प्रकार से मार्क लगाकर सिचुएशन को लो करना है, इसको भी लो करना है, इसको कंटेस्ट को हाई करना है। इससे क्या होता है, आपका जो हेयर होता है बहुत खतरनाक चमक इस पर आ जाता है। तो इतना काम आपको करना है। उसके बाद जो आपका सॉल्ट है इसको भी आप लोग यहाँ से ब्लेक कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से सिचुएशन को लो करेंगे। इतना काम हो गया, फिर उसके बाद आपको क्या करना, अपने फेस पे लाइट को ज़्यादा करना। देखिए आप लोग को जितना ज़्यादा लगे उतना ज़्यादा आप लोग अपने हिसाब से लाइट को ज़्यादा कर सकते, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। देखिए गाइज मैं कितना हार्ड आप लोगों को फोटो एडिटिंग करना सिखा दिया हूँ, जैसे मैं शुरू में बताया था, जो कि आप लोग शुरू का फोटो भी चेकआउट कर सकते हैं। सेम टू सेम आप लोगों को 100% ऐसा ही एडिटिंग सिखाया हूँ। तो गाइज यार आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आया होगा। तो फटाक से एक ठो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा था, और एक और कमेंट करिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए।